प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम मैकेनिकल आउटपुट पावर को निकाल सकते हैं, तो इसमें जो मैकेनिकल आउटपुट पावर है उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था 1 - s / s (IT²-R2-). अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैकेनिकल आउटपुट पावर का जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है। ओमेगा इंटू टी ये जनरलाइज फार्मूला होता है। तो ओमेगा इज़क्वल टू होता है 2πn, जहाँ पे n जो है वो मोटर की स्पीड होती है, और n को यदि rpm के अंदर लिया जाता है तो हम n बटे 60 कर देते हैं, तब हम n को rpm के अंदर ले सकते हैं। यदि हम 60 को हटा दें तो n को rps के अंदर लेना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। यदि हम n बटे 60 करते हैं, इसका मतलब n की वैल्यू हमको rpm में रखनी पड़ेगी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे, 2πnt/60 = 1 - s / s (I²²)R2-। हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया है। इक्वल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि t की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आ जाती है 60/2πn (1 - s / s (I²²)R2-। अब इसमें हम देखते हैं कि जो n है वो किसके बराबर होता है, n इक्वल टू होता है ns (1 - s). जैसा कि स्लिप का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ns - n/ns। ये हमारा स्लिप का फॉर्मूला होता है। तो उस स्लिप के फॉर्मूले से जो स्पीड की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है ns (1 - s). इसके बाद जो I²- है वो, जैसा कि हम इक्विवेलेंट सर्किट में पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके हिसाब से जब हम I²- की वैल्यू निकालेंगे, जो कि रोटर करंट है, उसकी वैल्यू आएगी E₁/Z₂-। E₁/Z₂- को हम पुट करेंगे, इसको स्क्वायर हो जाएगा (R₂-), यहाँ पर आ जाएगा। फर्दर हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो 1 - s / 1 - s कट जाएगा, 60 × E₁²/2πnsR₂-s, Z₂- की वैल्यू सेम हम पिछले इक्विवेलेंट सर्किट पे जाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट को देखेंगे, उसमें हम देखते हैं कि Z₂- की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास R₂-s² + X₂-² ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो इक्विवेलेंट सर्किट में, तो इक्विवेलेंट सर्किट का जो डायग्राम था उससे हमको Z₂- की वैल्यू पता लग जाएगी। आगे हम जब फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 × E₁²/2πns (s×R₂-R₂²) + s×X₂-² ये हमारी जो वैल्यू है वो आ जाती है। इसके बाद जो R₂ और X₂ है वो रोटर रेजिस्टेंस है एज रेफर टू प्राइमरी साइड, और रोटर रिएक्टेंस है एज रेफर टू स्टेटर साइड ट्रांसफॉर्मर में हम इसको प्राइमरी साइड बोलेंगे, इंडक्शन मोटर के हम इसको स्टेटर साइड बोलेंगे। टॉर्क की इक्वेशन फाइनली हमारे पास आ जाएगी 60K² जब हम R₂- और X₂- की वैल्यू पुट करेंगे। R₂- की वैल्यू होती है R₂/K², जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा था कि R₂- की वैल्यू निकालते हैं तो R₂/K² होती है। X₂- की वैल्यू होती है हमारे पास X₂/K²। जब हम दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली सॉल्व करने के बाद आ जाएगा जो टॉर्क की इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी 60K²E₁²/2πns(sR₂/R₂²) + SX₂² न्यूटन मीटर पर फेज। ये जो टॉर्क की इक्वेशन है ये पर फेज आई है। पर फेज का मतलब है कि हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट था वो पर फेज बनाया हुआ था, सिंगल फेज के लिए बनाया हुआ था। यदि हम थ्री फेज मोटर लेते हैं तो टोटल जो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा T = 60 m की वैल्यू हम यहाँ 3 रख देंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए, K²E₁²/2πns (sR₂/R₂²) + SX₂² वेयर m जो है नंबर ऑफ फेजेज हैं। यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यदि टू फेज इंडक्शन मोटर है m की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरीके से m की वैल्यू के हिसाब से नंबर ऑफ फेजेस, जो मोटर में नंबर ऑफ फेजेस हैं उसकी वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी। अब E₁ की वैल्यू जो है वो अराउंड जो इनपुट वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, उसके बराबर होती है।
इसलिए हम जो टॉर्क है उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 60 m k² v1² / 2 π n s SR2 अपॉन RT स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे जो K है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, V है सप्लाई V1 सप्लाई वोल्टेज है, M जो है नंबर ऑफ फेजेस ऑफ द मोटर है, NS जो है सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर है, R2 रोटर रेजिस्टेंस है, X2 रोटर रिएक्टेंस और S जो है वो स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर है। फाइनली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पूरा पोर्शन है 60 m k² v1² / 2 π n s इसको हम कांस्टेंट मान के K डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी जगह हमने K डैश लिख दिया तो टॉर्क की जो फाइनल इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाती है T = K·SR2/R2² + SX2²2। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने देखा कि किस तरीके से हम मैकेनिकल आउटपुट पावर से जो टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क जो है इंडक्शन मोटर का किस तरीके से निकाला जाता है और मैक्सिमम टॉर्क की क्या कंडीशंस होती है। इसके बाद स्टार्टिंग टॉर्क कैसे निकाला जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू विद्यार्थियों, ओके।